हर पल खुश रहने का तरीका है अपने आप को आजाद महसूस करें, वर्तमान समय में जिए, अपने दिमाग को सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रखें, हर तरफ खुशियां फैलाएं, दूसरों की मदद करें। ये कहना है प्रसिद्ध अमरीकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर नॉर्मन विंसेंट का। नॉर्मन विंसेंट पील एक अमरीकी लेखक और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक थे। उनकी सबसे फेमस बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली बुक्स में से एक थी। इस बुक में उन्होंने मेनली तीन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स दिए हैं जो हर किसी को लाइफ में सफलता और खुशी देने में मदद करेंगे। लेसन वन, अपने आप में विश्वास करें और अपने लक्ष्यों को कल्पना करें कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। ऑथर के अनुसार जीवन में आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले आत्मविश्वास सभी समस्याओं का हल नहीं है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को अच्छे रिजल्ट के लिए सिर्फ आत्मविश्वास होना ही जरूरी नहीं है, जरूरी है सभी रिक्वायरमेंट्स का। ऑथर बताते हैं कि जब भी हम नई जॉब शुरू करते हैं और पहले दिन जाते हैं तो सोचते हैं कि कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, आप अच्छी तरह फिट नहीं होंगे, और होता भी यही है क्योंकि आपने पहले ही नेगेटिव सोच से शुरुआत की थी, तो इसके चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं कि आपके साथ नेगेटिव ही होगा। ऑथर इसे दूर करने के लिए एडवाइस देते हैं कि अपने लक्ष्यों और कामों को पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करें जिन्हें आप चाहते हैं। किसी निश्चित समय में, सपोज 5 महीने बाद, आपका जीवन कैसा दिखना चाहिए, आप कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में ना सोचकर एक बेहतरीन रिजल्ट और अचीवमेंट्स के बारे में सोचें कि आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास के साथ ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। लेसन टू, आपका एटीट्यूड आपके पूरे जीवन को निर्धारित करता है। ऑथर के अनुसार आपके लिए दुनिया वैसी ही होगी जैसे आपके दिमाग में अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर थॉट्स होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होंगी, उनमें से बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जिनका समाधान होने में 2-3 साल लग जाएंगे, जैसे कोई बीमारी, कोई कर्ज, लेकिन आप उन समस्याओं को किस तरह देखते हो ये सब आप पर ही डिपेंड होता है। हो सकता है कि आपकी किसी समस्या को हल करने में बहुत समय लग जाए, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को 1 सेकंड में बदल सकते हो। आपकी लाइफ, आपकी वास्तविकता केवल आपकी सोच और आपके एटीट्यूड यानी आपके दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह घर से निकलते हैं और सड़क पर अचानक एक बहुत तेज चल रही कार से टकराने से थोड़ा सा बच जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप दिन भर डर डर कर चलो, या घर से बाहर ना निकलो, या फिर आप इस एक्सपीरियंस को अपने लिए बहुत अच्छा मान सकते हो और उस दिन का हर एक सेकंड खुशी खुशी जी सकते हो, ये सोचकर कि आज आप बच गए और आपके पास पूरी जिंदगी है जीने के लिए। जब आप पॉजिटिव सोच सकते हो तो नेगेटिव क्यों सोचना। लेसन 3, भविष्य के बारे में कम सोचें और हर पल चिंता मुक्त रहें। ऑथर बताते हैं कि भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान ना रहें, क्योंकि सोचने मात्र से भविष्य नहीं बदलने वाला। अपने वर्तमान समय को जीना सीखें। आप बिना चिंता और तनाव के रह सकते हैं ये सोचें। चिंता ही तनाव का मुख्य कारण है। गौतम बुद्ध भी कहते थे कि चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंताओं को अभी अपने से दूर करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य में देखें कि आप सभी चिंताओं से मुक्त जीवन जी रहे हैं। आंखें खोलने पर आप अच्छा महसूस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें।